नमस्कार, मैं हूं सबा खान राही और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। केरल से इंसानियत को बयां करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां कोविड केयर सेंटर में तैनात दो वॉलंटियर्स कोरोना मरीज की हालत बिगड़ता देख उसे बाइक पर बैठाकर अस्पताल तक ले गए। वॉलंटियर्स के इस कदम की मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी तारीफ की है। मामला केरल के अलप्पुझा जिले के पुनारा गांव का है, जहां कोविड केयर सेंटर में तैनात दो वॉलंटियर्स गंभीर कोरोना मरीज को बाइक पर बैठाकर अस्पताल तक ले गए हैं। सीएम ने उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि दो युवाओं ने तेजी से काम किया, जिसकी मैं सराहना करता हूं, और सीएम ने यह भी बताया कि अब उस मरीज की हालत में सुधार है। दरअसल अश्विन और रेखा डोमिसाइल केयर सेंटर में वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे थे। शुक्रवार को जब अश्विन और रेखा मरीजों को खाना दे रहे थे, तो उन्हें बताया गया कि एक मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, जिसके बाद दोनों ने बाकी मरीजों की मदद से उसे नीचे लेकर आए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने एम्बुलेंस को भी फ़ोन लगाया, लेकिन उसे आने में 10 से 15 मिनट का वक्त लग रहा था। इस बीच मरीज़ की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसके बाद दोनों ने उस मरीज को बाइक से अस्पताल तक ले जाने का फैसला किया। कोविड केयर सेंटर से अस्पताल की दूरी 100 मीटर के आसपास थी। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। एक मिनट हमारे साथ।